कार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता का विषय है प्रॉपर्टी टैक्स। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में लोगों को परेशान करने के लिए आए दिन नए नए कानून लागू कर रही है, जिसमें से एक है प्रॉपर्टी टैक्स। सरकार का ये फैसला किसी तुगलकी फरमान से कम नहीं है। इससे पहले भी 5 अक्टूबर 2020 में सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का आदेश जारी किया था, जिसके चलते भारी विरोध के कारण सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा था। और उस वक्त सरकार ने कहा था कि ऐसा कोई आदेश ही जारी नहीं हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार ने एक बार फिर से तानाशाही रवैया अपनाते हुए न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर की जनता से प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर गुंडा टैक्स वसूल किया जाएगा। जहां सरकार चंडीगढ़ और दिल्ली को देखकर जम्मू कश्मीर में नए कानून लागू कर रही है, ऐसा करने से पहले सरकार को जम्मू कश्मीर को दिल्ली और चंडीगढ़ जैसा बनाना चाहिए। जैसी सहूलतें वहां की जनता को मिल रही हैं, वैसी ही सुविधाएं मिलना जम्मू कश्मीर की जनता का हक है। पर विडंबना की बात यह है कि आज भी जम्मू कश्मीर की जनता पीने के पानी से लेकर बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है और कई सारे सरकारी कर्मचारी जो हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां बेरोजगारी, महंगाई और सुविधाओं के अभाव के सहित अन्य जन समस्याओं को सुलझाने की बजाय भाजपा सरकार के प्रयास हैं कि जनता को किस प्रकार परेशान किया जाए, लूटा जाए। और प्रॉपर्टी टैक्स का लगाना ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार आम जनता को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है। जहां इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को ये लोन वेव ऑफ करते हैं, उनको टैक्स रिबेट्स देते हैं, उनको लो इंटरेस्ट पर सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, जिसका सीधा सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। और उस सरकारी खजाने की पूर्ति के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर आम जनता की कमर तोड़ने का ये जाल बिछाया जा रहा है। तो सभी आम जनता से अपील करती हूँ कि इन सरकार की इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमें एकजुट होना होगा, तभी हमारी आवाज़ बुलंद हो सकेगी। इसके अलावा प्रशासन से भी अपील करती हूँ कि आम जनता का गला ना घोटा जाए और ये फैसला जल्द से जल्द वापस लिया जाए, ताकि आम जनता जो है चैन की सांस ले सके और उन्हें उग्र प्रदर्शन के लिए ना उकसाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार आए दिन जम्मू कश्मीर की जनता को परेशान और लूटने के लिए नए नए कानून लागू कर रही है, जिसमें से एक है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हम खिलाफ नहीं, ऐसा कह लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि प्रॉपर्टी टैक्स मत लगाइए, लगाइए, पर जनता को पहले सक्षम तो कीजिए। यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम ट्रस्ट डेफिसिट की है। सरकार और जनता के बीच में एक खाई डेवलप हो गई है ट्रस्ट की। मैं 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, 2 करोड़ से 60 लाख बोला उन्होंने, फिर ये आंकड़ा 10 लाख पे आ गया और पता नहीं कितनी। दूसरी बात, सरोवर में टोल प्लाजा लगा था 1 साल पहले, जिसे कहेंगे रविंदर रैना जी उसके बाद प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि इस टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकेंगे। वो टोल प्लाजा अभी भी वहीं का वहीं वैसे का वैसा लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा जा रहा है। ये दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट। तीसरे की बात करूं, मुहैया करवाएगा, यहां गला काटा गया, ये ट्रस्ट डेफिसिट है। चौथा, बॉर्डर एरियाज में किसानों की कई कनाल जमीन जो है वो तारबंदी के अंदर आ गई, जबकि ये तारबंदी बिल्कुल जीरो लाइन पे होनी चाहिए थी। और अब तो ऐसी भी हवाएं उड़ रही हैं, खबरें उड़ रही हैं कि ये जो तारबंदी के अंदर जमीनें आई हैं ये और भी